हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज का हमारे इस न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के टैक्स के बारे में, जो गवर्नमेंट ने कहा है कि अभी नेक्स्ट मंथ से आपको क्या लगेगा, 30% का क्रिप्टो टैक्स लगेगा और TDS कटेगा जो कि 1% होगा। वो भी जो भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, लाइक आप विड्रॉ भी करते हैं मनी, तो 1% उस पर TDS लगेगा। माना कि अगर आप 100 रुपये 100 कर रहे हैं विड्रॉ अपने अकाउंट से, तो आपका 10%, अगर 1000 तो 100, तो आप समझ सकते हैं कि 1% आप निकाल सकते हैं इजीली। तो अभी हम बात करने वाले हैं 30% क्रिप्टो की। तो क्रिप्टो में जो टैक्स लग रहा है वो 30% किस लिए लग रहा है? तो ये क्रिप्टो में टैक्स गवर्नमेंट इसलिए लगा रही है कि गवर्नमेंट सबसे पहले चाहती है कि जो भी क्रिप्टो में अर्निंग हो रही है, क्योंकि जैसे आप सबको पता है आज के टाइम पे जो क्रिप्टो में लोगों ने जब से आया, ये 2020 में ज़्यादा फेमस हुआ था जब लॉकडाउन लगा, तो उससे इसकी चर्चा में आया, तो लोगों ने बहुत इन्वेस्ट करा और 1 साल बाद या 6 मंथ के बाद ही बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिला है लोगों को। फॉरेन में तो मिल ही रहा था, इंडिया में भी बहुत अच्छा खासा मिला, जहाँ पे कहीं ना कहीं कई लोगों ने, जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, मतलब उन्होंने क्या करा, किसी किसी ने ब्लैक में पैसा लगाया, जैसे तो ब्लैक मनी होता है अपना, उसको वाइट बनाने के क्रिप्टो में डाला और क्रिप्टो से अपने पास खाते में लिया। तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट के पास कोई वो नहीं रहता, पता नहीं चलता गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आ रहा है लोगों के पास। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि वो अभी 30% क्रिप्टो टैक्स करे। बट जैसे कि आप सबको पता है, 30% टैक्स बहुत ज़्यादा टैक्स हो जाएगा किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए। अगर हम मिडिल क्लास फैमिली के हैं या कोई भी पर्सन है जो पुअरर भी है, बट अगर वो इन्वेस्ट करना जानता है तो वो इन्वेस्ट करता है, बट अगर उसको रिटर्न मिलते हैं कुछ ही मिलता है। 30% ऐसे में अगर टैक्स लगता है, तो आई होप कि ये बहुत गलत चीज़ है, जो 30% टैक्स नहीं लगना चाहिए था गवर्नमेंट के हिसाब से, क्योंकि 30% टैक्स तो हमारी इनकम में भी नहीं लगता है। जो 5 5 लाख से तो कम वालों का 0 है टैक्स, बट उससे ऊपर भी 30% टैक्स नहीं लगता है कहीं भी अगर बात करें तो। इसी सीधा सीधा एक ऐसा तो नहीं है, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बैन नहीं कर रही है, ये एक क्लियर सिग्नल है कि गवर्नमेंट इसको बैन नहीं करने वाली है क्रिप्टो करेंसी को, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो मेन किस पे वर्क करती है, ब्लॉकचेन। और तो गवर्नमेंट खुद प्रमोट करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, और जो जैसे आपको पता है अमेरिका, दुबई हो गया, और बड़ी बड़ी जो कंट्रीज है जो क्रिप्टो करेंसी में डीलिंग करती है, या जैसे वहाँ की जो डेवलप्ड कंट्री है, अभी इंडिया डेवलपिंग है तो डेवलपिंग कंट्री, इसलिए इंडिया में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जो दिक्कत आ रही है। तो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट इसको टैक्स फ्री भी कर देगी मेरे हिसाब से, या इसमें जो टैक्स होगा वो होगा बट बहुत कम परसेंट होगा। लाइक अब बात करें यहाँ पे कि ये कब से लागू होगा, तो आई थिंक सो गवर्नमेंट कह रही है ये अप्रैल से लागू होगा, बट देखते हैं कि, बट मैंने ऐसा न्यूज़ देखी है कि ये जुलाई से होगा जो कि शुरू होने वाला है, बट लेट्स सी क्या होता है। तो अब यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट और बाइनेंस के बीच में भी कुछ पंगा चल रहा था, कि जो बाइनेंस कह रहा था कि हम आपको डिटेल्स नहीं देंगे, जो कि ये सही भी है कि कोई एक्सचेंज या कोई भी कंपनी होती है वो अपना डेटा किसी गवर्नमेंट को क्यों दे या किसी और के पास क्यों बेचे। लाइक हमारा डेटा आजकल आपने देखा है कहीं भी मार्केट में जो डेटा होता है हमारा, वो लीक हो जाता है, तो किस लिए होता है वो, जब ये हमारी कंपनियों में, अलग अलग कंपनियाँ होती है उसमें डेटा क्या कर देती है, वो शेयर कर देती है कुछ पैसों के चक्कर में। तो बाइनेंस यही कह रहा है कि हम डेटा शेयर नहीं करेंगे, बट वो भी इम्पोर्टेंट है कि ये कंट्रोवर्सी कब तक चलती है, कि क्या पता कि अगर ये कंट्रोवर्सी चलती रही तो बाइनेंस में तो लोग ट्रेड करते ही रहेंगे, क्योंकि बैन तो होने वाला है नहीं। तो आई थिंक सो ये जुलाई के बाद ही होने वाला है, 30% टैक्स का है, 1% TDS का, जो कि बहुत अच्छा भी होगा। बट अगर बैन होगा तो गवर्नमेंट पूरा 1 2 महीने या 6 महीने तो देगी देगी अपने पैसे को विड्रॉ करने के विदाउट टैक्स, बट बैन आई थिंक सो नहीं होने वाला है, ये 100% कन्फर्म है। अब यहाँ पे बात चलते हैं NFTs। NFT में भी 30% टैक्स लगेगा जो भी यूज़ करेगा इसको, और 1% TDS तो लगेगा ही लगेगा जब वो पैसा ट्रांसफ़र करेगा। और NFT वालों के लिए तो वैसे भी टैक्स लगता ही है, जब भी वो गैस फी उन्हें देनी पड़ती है तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है अभी कमिंग मंथ अप्रैल में क्या होता है, देखते हैं। यहाँ पे जैसे BTC ने बहुत अच्छा खासा पंप दिया था, आपने देखा होगा BTC कहाँ तक पहुँचा था, 48,000 टच कर दिया था, 124 अपने 200 EMA को टच करके, थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है अभी, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 200 EMA से नीचे ट्रेड कर रहा होगा, आई थिंक सो मूविंग एवरेज।
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 200 मूविंग एवरेज से शायद थोड़ा डाउन, आई थिंक सो उधर ही है, यहाँ पे मूविंग एवरेज से ऊपर आ गया था तो वहीं कहीं है। बट देखते हैं मार्केट कैसा वर्क करता है। यहाँ पे प्रॉफिट भी अच्छा खासा हुआ है। अभी मैंने आपको टेलीग्राम में भी दिया था कि यहाँ पे मतलब एक एनालिसिस करके दिया था कि प्राइस अगर इस रेंज से ऊपर जाएगा, आई थिंक सो वो ये था, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था बहुत ज़्यादा। मैंने ये रेंज बनाई हुई थी, मार्केट की ये रेंज बनाई थी मैंने कहीं कि जैसे इस प्राइस को क्रॉस करेगा मार्केट में बूम आने वाला है, तो जिसने भी लिया होगा उसने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। तो अगर आप टेलीग्राम में भी नहीं जुड़े, हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ इजीली मैं सुबह सुबह लाइक बैंक निफ्टी और निफ्टी के भी वहाँ पे थोड़ा बहुत एनालिसिस बताता रहता हूँ, कुछ स्टॉक रिकमेंड करता हूँ आपको और अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, और कुछ बेहतरीन पैसे कमाने की भी ट्रिक्स बताता हूँ जहाँ पे आप इजीली प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बस मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाइए और मेरे साथ बने रहिए तो आपको भी इजीली प्रॉफिट होगा, कोई लॉस नहीं होगा, ये मेरी 100% गारंटी है। अगर आप जो मैं लेवल्स दूंगा या जो मैं चीज़ फॉलो करता हूँ मैं खुद, अगर वो भी आप अप्लाई करेंगे तो आई थिंक सो आप उसमें प्रॉफिट इजीली जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कर रहा था बात क्रिप्टो टैक्स की। तो क्रिप्टो टैक्स अभी जैसे मैंने आपको बताया तो ये लगने वाला तो अभी बाद में ही है टैक्स, ऐसा कुछ नहीं है टैक्स इतना ज़्यादा होगा, बट आने वाले टाइम में टैक्स ज़ीरो हो जाएगा, ये भी है। तो जिस बंदे ने भी मतलब अगर आप क्या है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर रहे हैं किसी भी क्रिप्टो को, मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख रहा हूँ। मैं आपको सीधा कह रहा हूँ, लाइक मेरे पास, मैं अभी आपको बताया था मेरे पास कौन कौन से कॉइन है, लाइक मैंने सोलाना लिया हुआ है, थोड़ा चेन लिंक देखे तो वो भी ले रखा है, तो कुछ ऐसे ही हैं, TRX मैंने अच्छी खासी क्वान्टिटी में भी लिया हुआ है, जो ट्रोन है, तो मैंने ये सब लॉन्ग टर्म के लिए लिया है बिकॉज मैं लॉन्ग टर्म में आने वाले टाइम में टैक्स को देखते हैं क्या होता है, नहीं भी हुआ टैक्स अगर 30% ही रहा तो कोई बात नहीं, बट जो प्रॉफिट होगा वो अच्छा खासा होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे आपको पता ही है बिटकॉइन जब था, जब वो $1 का था उसको किसी ने माना नहीं, बट आज जब वो आया तो तब उसको मानने लगे। तो ऐसी कई सारी क्रिप्टो करेंसीज है जो बढ़ सकती है, बट उसका भी मैंने फंडामेंटल एनालिसिस करा है, टेक्निकल एनालिसिस भी करा ही हुआ है, तो वो मार्केट में आने वाले समय में प्रॉफिट देके जाएगी। तो जिसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है वो होल्ड कर सकता है, वरना आप आज ही अपने क्रिप्टो वैलेट जो भी है, जहाँ भी पैसा है, आप उसको सेल ऑफ कर दीजिए। अगर आपका लॉस में तो मैं तो कहूँगा आप होल्ड ही रखिए, बट अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको बुक कर लीजिए प्रॉफिट को, अगर आप 30% टैक्स पे से डर रहे हैं तो। और यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि जैसे आपको मैं एक बहुत अच्छी, मैंने एक टेक्निक ढूंढी है यहाँ पे पैसे कमाने की, जो लोग फॉरेक्स जानना चाहते हैं, मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं या उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल में, पहले जुड़ जाइए, वहाँ पे मेरा यूज़र आईडी होगा, तो आप वहाँ पे जाके मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे पिन करा रहेगा उसको, और यहाँ भी डाल दूंगा पिन करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप वहाँ पे अगर जानना चाहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है या आपको कैसे करनी है, ऑनलाइन आपको कई वीडियो मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है कि यूट्यूब में नहीं मिलती वीडियो, बट जिस हिसाब से मैं बताऊंगा आपको एक अच्छी खासी ट्रिक भी बताऊंगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में कैसे पैसा कमाया जा सकता है, तो आप इजीली कमा सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा जो यूट्यूब में अपलोड करूंगा, वहाँ पे भी मैं बताऊंगा, जो ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है, और वो ट्रिक्स छोटी मोटी ट्रिक बताऊंगा, बट जो मेरे पास एक बहुत बढ़िया ट्रिक है जहाँ से आप पैसा अर्न कर सकते हैं इजीली। तो आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर करिए ज़रूर। आप अपने दोस्तों में शेयर नहीं करते हैं वीडियो को, मैंने देखा है जो मेरी वीडियोस होती है ना वो ज़्यादातर जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो नहीं देखते, जो मतलब बिना सब्सक्राइबर है, जो सब्सक्राइब नहीं है वो ही देखते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी देखिए, और अपने दो अच्छी लगे तो शेयर भी करिए और लाइक भी करिए, और अगर वीडियो अच्छी नहीं है आप डिसलाइक कर दीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ, और कमेंट भी कर दीजिए कि हाँ भाई आप वीडियो में ये चेंज करो, हमें ये वाला टॉपिक चाहिए, आप इस पर बनाओ, तो मैं ये सब टॉपिक आपके लिए बना दूंगा, आप बस कमेंट कर दीजिए, और डिसलाइक करना है जिसको, आज वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं हम दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।